नमस्कार, मैं ऋषभ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जौनपुर न्यूज। मोबाइल नेटवर्क बाधित करने वाला बूस्टर लगाने वाले दुकानदारों के यहाँ छापेमारी। प्रभारी अधिकारी दूरसंचार गोरखपुर क्षितिज गुप्ता आईएस के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम ने नगर के हनुमान घाट व हरलाल का रोड पर एक दर्जन दुकानों व घरों में छापेमारी कर घरों में लगे मोबाइल टावर में बूस्टर लगाकर अपना नेटवर्क बेहतर पाने के चक्कर में क्षेत्र में नेटवर्क बाधित करने वाले प्रतिबंधित उपकरण को जब्त किया व नोटिस दी कि भविष्य में अगर इसका प्रयोग किया तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। छापेमारी टीम में जूनियर वायरलेस ऑफिसर अजय कुमार श्रीवास्तव, आर के यादव, विमलेश कुमार सहित अन्य लोग रहे। प्रभारी अधिकारी क्षितिज गुप्ता ने बताया कि मोबाइल कंपनियों के पास से शिकायत आ रही थी कि कुछ क्षेत्रों में बेहतर नेटवर्क होने के बाद भी खराब नेटवर्क की शिकायत आ रही है, जिसको संज्ञान में लेते हुए बुधवार गुरुवार को नगर में छापेमारी की गई, जिसमें स्पेक्ट्रम एनालाइजर के जरिए जांच की गई तो एक दर्जन जगहों पर टावर में बूस्टर का प्रयोग पाया गया, जिस पर कार्यवाही की गई। जानकारी के अभाव में डीलरों व दुकानदारों द्वारा लोगों को बेहतर नेटवर्क का लालच देकर प्रतिबंधित सामान बेचा जा रहा है, जो कि गैर कानूनी भी है। सच्ची और सटीक खबरों के लिए बस देखते रहिए जौनपुर न्यूज। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 का बिगुल बज चुका है। क्या आप भी लड़ रहे हैं पंचायत चुनाव 2021? तो अब हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि जौनपुर न्यूज आपकी खबर भी लेगा और आपको खबर भी देगा, करेगा आपके चुनाव का प्रचार। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप पर करें संपर्क 6307713277। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी के उम्मीदवार, संपर्क करें